Здравствуйте. Хорошо, как у вас? 5 to 10 times ज़्यादा cost है सब चीज़ का। अगर आपको यहाँ से shopping करनी है तो इतने varieties में आपको कपड़े खरीदने पड़ेंगे, सब कुछ limited है यहाँ पे। देखो भाई कैसी गाड़ी है, मजा आ रहा है इस गाड़ी में ट्रेवल करने में एकदम। आज मेरा 5वां या 6वां दिन है बिना इंटरनेट के। फिजिकल थर्मोमीटर है -65 के आस पास टेम्परेचर है, सब कुछ एक्सट्रीम है यहाँ पे। 2 मिनट से ज्यादा बाहर रहा नहीं जा रहा है। वेरी गुड। ये देखो ये रशियन प्लेन यहाँ खड़ा हुआ है। ओ भाई ये क्या है, सब लोग काफी सरप्राइज हो रहा है मेरे को देख के। इस जगह को कोई नहीं जानता है। यू कह रहे आपके बाद यहाँ कोई नहीं आने वाला। सो गाइस शाम के 5 बज चुके हैं और हम लोग जस्ट अभी उस नेरा टाउन में एंट्री किए हैं। एंट्री करते ही काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, जितनी ट्रक्स आ रही हैं देखो काफी सारी ट्रक्स खड़ी हैं यहाँ पे चारों तरफ, ट्रक ही ट्रक खड़ी हैं। तो सारी ट्रक की चेकिंग कर रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग कर रहे हैं। तो ये अंदर आया हुआ है देखो। तो अब मैं आज रात उस नेरा में रुकने वाला हूँ और कल मैं निकलूंगा मगदान की तरफ। इतनी ज्यादा ठंड है कि बाहर पूरा धुंध छाई हुई है। आई थिंक 50-100 मीटर से आगे विजिबिलिटी ही नहीं है, सेम एज याकूस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, मेरे को लगा कि उस नेरा पहुंचूंगा तो मोबाइल में इंटरनेट चलेगा, लेकिन यहाँ पर 2G आ रहा है, इंटरनेट चल ही नहीं। 2G में भी इंटरनेट नहीं चल रहा है, बस कॉलिंग है। 5 दिन हो चुके हैं जब मैं पूरी दुनिया से इंटरनेट से कटा हुआ हूँ, फ़ोन में इंटरनेट ही नहीं है। कॉलिंग हो जा रही है लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो यहाँ मैं जहाँ रुक रहा हूँ उनसे इनसे बात कराता हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जा रहा है। ओके व्लादिमीर, давай, удачи, थैंक यू सो मच, спасибо, инжи, привет, спасибо большое, давай, давай, все, давай, слазь, я подам. Все, окей, до свидания, пока-пока, пока-пока. Go inside. Oh, भाई पूरी गाड़ी में एक ही डोर है एक साइड पे, यहीं से अंदर जाओ। बहुत छोटी गाड़ी है। आदि डोर इंडिया इंडिया दा। तो भाई जी पुलिस वाले यहाँ मिले हैं। वर्ष गोरत उसनेरा। अच्छा यहीं के रहने वाले हैं। ओके कक वजावूत कोस्ता कोस्ता। ओ पुलिस, रशिया पुलिस। पुलिस ऑफिसर ट्रक की चेकिंग के लिए आए थे, इनसे मैंने बात करा दी जहाँ रुके हैं। बहुत दूर नहीं है, लगभग 1.5-2 किलोमीटर है सेंटर से। तो ये मेरे को ड्रॉप करने जा रहे हैं अपनी पुलिस के गाड़ी में, पुलिस के व्हीकल में। बड़ी छोटी गाड़ी है यहाँ की। приключение, да? Путешествие. Как? Adventure. Adventure, yeah. Adventure, yeah. Adventure, да. बहुत ठंड है भाई। शाशा здравствуйте, здравствуйте, как дела? Хорошо, как у вас? Не замерзли? Хорошо, хорошо, хорошо. Окей, все, спасибо. Все, пожалуйста. Коста, спасибо. Не за что. Спасибо большое. Проходите. Окей, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. हेलो, तो मैं उनकी कार आ गई है, मशीन, बिग मशीन बोलशोए। ओके तो ये सामने आपको जो दिखा ये इनका ऑफिस है, घर नहीं है, घर आप जा रहे हैं। सनसेट हो चुका है, ऑलमोस्ट रात होने वाली है, आई थिंक शायद आधे घंटे में रात हो जाएगी। यहाँ पे यार सारी कार काफी डिफरेंट है, अलग है। मैगजीन है, तो यहाँ उस नेरा में ये एक सुपरमार्केट भी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन सारे काम के सामान मिल जा रहे हैं और एवरीथिंग इज़ वेरी 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 एक्सपेंसिव। समझ लो बाकी जगह से 5 to 10 times ज़्यादा कॉस्ट है सब चीज़ का। मैंने बस थोड़े से एग लिए हैं, 2 योगर्ट ड्रिंक लिया है, इतना मेरे को पड़ा है अराउंड 700 रुपये के आसपास। डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, यहाँ तक आते आते ही रेट इतना बढ़ जाता है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। देखो यहाँ पे लोकल सुपरमार्केट है, यहाँ पे कुकीज़ मिल रहे हैं, लोकली मेड कुकीज़ है, लोकली मेड ब्रेड है। तो यहाँ पे कपड़े ऐसे मिल रहे हैं, ये देखो इतनी ही वैरायटी में। अगर आपको यहाँ से शॉपिंग करनी है तो इतनी वैरायटीज़ में आपको कपड़े ख़रीदने पड़ेंगे, लिहाज लेने पड़ेंगे, सब कुछ लिमिटेड है यहाँ पे। तो ये यहाँ की ब्रेड है, ये देखो ऐसी ब्रेड है, गोली गोली, इसे लो चाय जैसे काट के खाओ। ओके पानी लेना भूल गए थे, तो दूसरी लोकल मार्केट में पानी लेके आए हैं जहाँ रुके हैं उस लोकेलिटी में। 1 लीटर पानी लगभग 100 रुपये का पड़ा है इकट्ठा, मैंने 5 लीटर ले लिया है, 250 रुपये का पड़ा है।
Very, very, very cold. Очень. You live here? No, live here. You. Чё? You here? Не. No. No. Me alone. Uh-huh. Oh, you friend? Colleague. Colleague. Okay. Sasha, Zavut? Dima. Dima. Vaska. Dimitri. Dima or Dimitri? Dmitri, да. Dimitri. Меня зовут Тор Вашу. Очень приятно познакомиться. Nice to meet you. Yeah, same here, same here. So now you drop me and go. Okay, recover. Okay. Lock the key behind us. Okay. Mm-hmm. Okay, see you tomorrow. Mm-hmm. Спасибо большое. Спасибо большое. До завтра. See you. Okay, пока. Пока. शाम को 5 बजे मैं उस सनेरा पहुंचा था. अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं. उस सनेरा पूरा ओमियाकोंस्की डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल है, यानी कि उस सनेरा के अंदर ही तोमतोर आता है, ओमियाकोन आता है, सब कुछ आता है. और अभी मैं रुका हूँ रशियन गवर्नमेंट के क्वार्टर में. तो ये पूरी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है रशियन गवर्नमेंट की. मेरे को किसी रेफरेंस से ये मिला है, मतलब कि मैं किसी को जानता था, उसके थ्रू किसी और के बारे में पता चला, फिर उसके थ्रू किसी और के बारे में पता चला. ऐसे ही दो रेफरेंस के बाद मेरे को ये मिला है. और इन्होंने बोला आप यहाँ पे 2-3 दिन जितना चाहो रुक सकते हो, लेकिन मेरा यहाँ रुकने का बहुत मन नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ करने को है नहीं. आज मैं यहाँ रात रुक रहा हूँ, कल मैं निकलूंगा मंगदान के लिए. और मैं इस घर में अकेले हूँ, मैं पहली बार लाइफ में रशिया में अकेले रह रहा हूँ. काफी ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी है यार ये, बहुत ज्यादा बड़ी. यहाँ पर पूरा ये किचन है, किचन में काफी सारे सामान है, ऑयल है, कॉफी है, टी है, मिल्क पाउडर है, यूटेंसिल्स है, वॉशिंग मशीन, ओवन, फ्रिज, ये यहाँ पे काउच है, सोफा सेट, यहाँ माइक्रोवेव भी है, ये मेन गेट है. तो मेरे को शाशा और दीमा छोड़ने आए थे, वो रशियन गवर्नमेंट में काम करते हैं, ऑफिसर है दोनों. और उन्होंने बोला कि आपको हम छोड़ के जा रहे हैं, आप एक बार भी घर के बाहर मत निकलना, डोर को लॉक कर लो, क्योंकि ये जगह दिन में ठीक है, लेकिन रात में जैसे डार्क होता है जगह सेफ नहीं है. भैया देखो ये यहाँ का ये वॉशरूम है, और भी यहाँ दो रूम और भी हैं, कहीं भी सो जाऊंगा. उसके अलावा एक रूम ये भी है, पूरा खाली पड़ा हुआ है. पिछले 4-5 दिन से नहाया नहीं हूँ, क्योंकि भाई नहाने की यहाँ फैसिलिटी नहीं है, लेकिन फाइनली अब यहाँ पे फैसिलिटी मिली है. उसके बाद कुछ यहाँ पर किचन बना के खाता हूँ मैं. तो मिलते हैं फिर आप लोगों को कल मॉर्निंग में. Hey guys, very good morning from the capital of Omiakonski district, Ustanera. हमारी सोवियत गाड़ी आ चुकी है. Good morning. Andrew. और ये दीमा फोटो ले रहे हैं. दीमा. It's here. Oh, okay. देखो भाई कैसी गाड़ी है, मज़ा आ रहा है इस गाड़ी में ट्रैवल करने में. एकदम नॉस्टैल्जिक एंशिएंट फील आ रहा है इस गाड़ी में. अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, इन लोग मेरे को रिसीव करने आ गए हैं. बोले तो आपको यहाँ पे दिखाते हैं उस सनेरा कैसा है. गुड मशीन. वेरी गुड. रॉकेट. टेम्परेचर अभी -50 के नीचे है. इन लोग मेरे से पूछ रहे हैं इंडिया में इतनी ठंड पड़ती है कि नहीं. 16 minus. मेरे पास तो इंटरनेट है नहीं, मैंने अंदाज लगाया कि -50 के आसपास होगा. ये बोल रहे हैं -60, इतना ठंड आ रहे भाई साहब. -60. आज मेरा 5वां या 6वां दिन है बिना इंटरनेट के. -60. ओ माय गॉड. 62. -62. अरे भाई साहब तक का कोल्डेस्ट टेम्परेचर -60, -65 के आसपास जा रहा है ये तो. भाई यहाँ का जो मैनुअल या फिजिकल थर्मामीटर है -65 के आसपास टेम्परेचर है अभी. -65. मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है. मैक्स 72. यहाँ का रिकॉर्डेड टेम्परेचर है सेम एस वही ओमियाकोन, सेम एस तोमतोर, -72 degrees centigrade है. फॉरेनहाइट में -96 degrees फॉरेनहाइट. चर्च. ओके. यहाँ कैथेड्रल इतना धुंध है, इतना यहाँ पे वो है, मिस्ट है, फॉग जो भी, तो दिख ही नहीं रहा है भाई, बाहर निकलने पर ही दिखेगा. ओह, तो यहाँ का कैथेड्रल है उस सनेरा का, ये देखो.
मुझे लगा ठंड कुछ कम होगी कंपेयर टू ओमियाकॉन कंपेयर टू तोमतोर, तो मैंने ना आज ऊपर नीचे एक एक लेयर कम कर दी। मुझे क्या बताया ठंड उससे भी ज़्यादा होगी, -65। देखो यहाँ का कैथेड्रल जहाँ मैं अपार्टमेंट में रुका था, एक ही रूम के अंदर चार चार पांच पर हीटर लगे थे, इतना गर्म था अंदर, हमको लग रहा 35 डिग्री के आसपास होगा और बाहर -65 है। यानी कि घर के अंदर और घर के बाहर में पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस, अभी तक 60-70 का डिफरेंस गया है घर के अंदर घर के बाहर में, सब कुछ एक्सट्रीम है। यहाँ पे ये जो कैपिटल है उस्तनेरा, इसकी पॉपुलेशन अराउंड 6,000 से 7,000 के बीच में है, बहुत ज्यादा पुराना टाउन नहीं है, सोवियत एरा के आसपास इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसको एस्टेब्लिश करने का मेन रीजन था क्योंकि यहाँ पे आसपास था काफी सारे गोल्ड और कोल की माइनिंग होती है, इसके अलावा और भी मेटल्स की, टिन, टंगस्टन, यूरेनियम, तो माइनिंग टाउन एक तरीके का, माइनिंग टाउन के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था आसपास के माइंस को कंट्रोल करने के लिए, प्लस ये जो रोड है रोड ऑफ बोन उसको कंट्रोल करने के लिए। बहुत मस्त आ रहा हूँ ऊपर नीचे एक एक लेयर कम करके, ठंड फील हो रही है। अच्छा जितनी ठंड हो किसी से भी हैंडशेक करना है तो भाई बेयर हैंड ही करना है, सारे ग्लव्स हटा कर ही करना है, नहीं तो रूड माना जाता है, अनप्रोफेशनल माना जाता है। माइनिंग गोल्ड गोल्ड माइन चर्च खुल गया है। तो ब्रो Индия, да. Нравится холод. Холод. Very cold. Good. Very cold. Большое, большое. Да вы что, всего 55 градусов. 65 градусов. No cold. No cold. No cold. Very good. Браво. Все браво. Ну давайте тогда. Пожелаем удачи вам. Окей, спасибо большое. Счастливые пути. Окей, до свидания. До свидания. तो ये था वर्ल्ड के कोल्डेस्ट इनहैबिटेड रीजन का कैथेड्रल। वेरी कोल्ड, वेरी वेरी कोल्ड। पूरी दुनिया से इतना अलग हो चुका हूँ तो दिन भी ध्यान नहीं, दिन कौन सा है, पूछे कौन सा दिन है, मुझे लगा थर्सडे फ्राइडे है, फ्राइडे है, और बोल रहा है इस टाउन की पॉपुलेशन दिन पर दिन डिक्लाइन हो रही है। तो मैंने आपको बताया 6,000-7,000 कुछ साल पहले की पॉपुलेशन थी, अब बस 5,000 लोग इस टाउन में बसे हैं, मे बी कुछ सालों में अबैंडन्ड हो जाए टाउन, ऐसा है। रशिया में कोई भी चर्च जाओ, कोई भी कैथेड्रल जाओ, चाहे छोटा टाउन हो चाहे बड़ा टाउन हो, उसका इंटीरियर बहुत ही प्यारा रहता है भाई, कोई भी कैथेड्रल हो यहाँ पे। Нормально? Норм? You норм? Yeah, normal, normal, yeah. Are you victory? Victory. Victory. World War II? World. Second World War. Yes. तो यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विक्ट्री का, जिसमें रशिया को सोवियत यूनियन को विक्ट्री मिली थी, तो उसका मॉन्यूमेंट है ये देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का उस्तनेरा में, ये देखो सोवियत टैंक यहाँ पे जिसने वर्ल्ड वॉर टू में पार्टिसिपेट किया था, तो यहाँ पे डिस्प्ले लगाया गया है, ये सारे रियल टैंक है, रियल कार है ये देखो, सोवियत कार, इसके ऊपर शायद मिसाइलों को रखा जाता होगा, और ये मॉन्यूमेंट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, यहाँ पे लिखा हुआ है 1941 से 1945। इंदिगिर का, इंदिगिर का रिवर, फ्रोजन देखो यहाँ की पूरे ओमियाकॉन के डिस्ट्रिक्ट की सबसे लंबी सबसे फेमस रिवर है ये इंदिगिरका, इंदिगिरका रिवर पूरी जम चुकी है, पूरी फ्रीज हो चुकी है, ये देखो वेरी वेरी बिग, वेरी बिग रिवर, वेरी बिग, वो तक कोई खारियो, खारियो जिंदगी यहाँ थम सी गई है, पूरी नदी जम सी गई है, यही रिवर ओमियाकॉन भी गई है, बहुत पॉपुलर रिवर इस रीजन की, कर भी कर पानी इतनी ठंडी रिवर हो चुकी है, इससे थोड़ी बड़ी कार ले आएंगे ना, तो यू कैन ड्राइव ड्राइव ऑन द रिवर, गो ओके। तो 2 मिनट से ज्यादा बाहर रहा नहीं जा रहा, इतनी ठंड है, 2 मिनट ही बाहर रह रहे हैं, बोल रहे भाई चलो अंदर। तो ऐसी लाइफ है यहाँ पे, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, लोग रह रहे हैं, लेकिन सब कुछ घर और कार के अंदर, ऑफिस के अंदर है, बाहर बस 2 से 3 मिनट का एक्सपोजर है। हाँ अगर रशियन वोडका पी लो तो अलग बात है, जैसा ये बोल रहे हैं ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। बहुत वेरी गुड, बहुत वेरी गुड। बच्चे खराब शो
Russian road, это very good. Russian road, very good. सुबह 8:30 घर के बाहर देखा था तो एकदम अंधेरा था, 9:00 थोड़ी रोशनी होना शुरू हुई है, अभी 10:00 रहे हैं, अब जाके यहाँ पे सनराइज हो रहा है सुबह 10:00। मेरे पीछे देखो हल्का हल्का सन दिखना शुरू हुआ है अब जाके। तो ये 1937 का मॉन्यूमेंट है, आज से 85 साल पहले का, उस सनेरा ऊपर लिखा हुआ है रशियन लैंग्वेज में, सोवियत के टाइम के स्टालिन एरा का मॉन्यूमेंट है ये। स्टालिन स्टालिन ना очень красиво, очень красиво здесь. Фог, ну, Фог. Не видно, не видно. Туман. View perfect. View perfect. Да. Вот так. Уснера уже буду знать, что ты здесь view. Был Уснера. 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 ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक लोग भी ऐसे नहीं जिनको इंग्लिश आती हो, बस कोई तरह मैनेज हो जा रहा है। Туман не видно ничего. I'm love India. You love India? Very good. Very good. India good. India good. Russia good. India Russia. Brother. India, brother. India Russia brother. India Russia brother. Brother. И да. Никак иначе. Да. देखो फिर से ये साइबेरियन डॉग आ चुका है। अरे 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 कितना खतरनाक दिख रहा है ये। तो कितने इसके मुंडों के मोटे फर होते हैं, ठंडी लगती नहीं है, -65 में घूम रही है ऐसे ही। ऐता एयरपोर्ट, एयरपोर्ट ओ 100 रियल्स, 100 इयर्स ओल्ड, रशियन, रशियन रियल्स, रशियन रियल्स, ओके, फ्लाई, रशियन, रशिया, 100 इयर्स, 100 इयर्स, ओके। तो ये उस तरह का एयरपोर्ट है, बोल रहा है 100 साल से भी पुराना है, लग रहा है बंद पड़ा हुआ है, कोई दिख नहीं रहा है, तो मे भी शायद बहुत ही लिमिटेड फ्लाइट होगी दिन में एक आध बार। देखो ये एयरपोर्ट हर तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, देखो कितना ब्यूटीफुल लोकेशन है, हर ओ यहाँ एरोप्लेन भी है, ये देखो ये रशियन प्लेन यहाँ खड़ा हुआ है, काफी सालों से खड़ा है, पूरा बर्फ ढक चुका है, ये देखो अमेजिंग अमेजिंग, ये देखो भाई गजब की लोकेशन है भाई, यहाँ पे पहाड़ों के बीच में एयरपोर्ट। तो चलती है देखो एयरपोर्ट उस सनेरा, चलते हैं उस सनेरा एयरपोर्ट के अंदर, घर लग रहा है ये तो, ऐसा एयरपोर्ट तो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा और आप लोग ये भी नहीं देखे होंगे, कैसा एयरपोर्ट है ये, दरवाजा के अंदर दरवाजा, छोटे छोटे कमरे, देखो एकदम एंशियंट एयरपोर्ट है, हिस्ट्री एयरपोर्ट, एयरपोर्ट हिस्ट्री, ये एयरपोर्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड में बहुत ज्यादा यूटिलाइज हुआ है, ये एयरपोर्ट 1918 में एयरपोर्ट बनाया है, काफी ज्यादा हिस्टोरिक एयरपोर्ट है ये, काफी सारे वॉर में ये एयरपोर्ट यूज हुआ है। इस एयरपोर्ट से सिर्फ और सिर्फ याकूस की फ्लाइट है और कहीं की फ्लाइट नहीं है, ये देखो ओनली याकूस, ओनली याकूस, ओनली याकूस, द कोल्ड कोल्ड फॉग टुमान и नो फ्लाइट, नो फ्लाइट, नो फ्लाइट, Monday, Tuesday, to week, можешь сидеть, ждать, fly. But कोई दिख नहीं रहा, no employee, no worker, सब कहाँ है, कैसा एयरपोर्ट है ये, मेरे को फ्लाइट लेना हो तो कहाँ जाऊँगा, किससे बात करूँगा, कोई दिख ही नहीं रहा, no worker, no robot, अंदर होंगे, सिक्योरिटी कंट्रोल, ओके, आई थिंक कैमरा बंद करना पड़ेगा सिक्योरिटी कंट्रोल में, ओके, ये सिक्योरिटी कंट्रोल है यहाँ का, सब कुछ छोटे छोटे रूम के अंदर बना हुआ है। प्रिवियत भाई, देखो घर ही है, बस वहाँ एयरपोर्ट शुरू और ये यहाँ खत्म, एक सिक्योरिटी रूम है, उसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। एयरपोर्ट के पीछे साइड रनवे है, तो अभी दो मैडम मिली थी सिक्योरिटी रूम के अंदर, उनसे काफी बात हुई, लेकिन कैमरा वहाँ प्रोबिडेट था तो मैं कुछ दिखा नहीं पाया, वो भी बोल रही है भाई रशियन वोडका पियो ठंड नहीं लगेगी, हर कोई यही बोल रहा है रशियन वोडका पियो। एयरपोर्ट गुड, हरशो अल्टीमेट एयरपोर्ट था यार, ऐसा एयरपोर्ट नहीं देखा, पूरे एयरपोर्ट से दो एम्प्लॉय दिखे, म्यूजियम, तो इन लोगों का मेरे को उस सनेरा का म्यूजियम लेके आए हुए हैं, आई डोंट नो कैसा म्यूजियम, इसके अंदर क्या है, चल के देखते हैं। तो म्यूजियम, यहाँ टाइमिंग्स लिखी हुई है, ऊपर लिखा हुआ है म्यूजियम, टूरिस्ट इज इंडिया, हेलो मैडम, Светлана, 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 да, меня зовут Торвашу, Торвашу, да, зовут Светлана, да, यहाँ के आसपास जो परमाफ्रॉस्ट में ये सब जो फॉसिल्स और बोन वगैरह पाए गए हैं सब यहाँ रखे हुए हैं, देखो ये वुली रेंडियर कुछ ऐसा लग रहा है,
ये वुली मैमथ का फोटो, मैमथ ये वुली राइनोसोरस भी यहाँ पाए जाते थे पहले के टाइम में। कोई कैसी मछली है क्यों रखा गया ज्यादा तो पता नहीं मेरे को। खैर यहाँ पे म्यूजियम पाना सोचते परे था इस लोकेशन पे, लेकिन यहाँ पे म्यूजियम है। गोल्ड माइनिंग, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड माइनिंग होती है तो इसको यहाँ पे दिखाया गया कुछ ऐसा। गोल्ड माइनिंग करते हैं मशीन्स को। गोल्ड गोल्ड गोल्ड, यहाँ के चारों तरफ गोल्ड ही गोल्ड है। गोल्ड के अलावा यहाँ पे काफी सारा डायमंड भी पाया जाता है। ओ भाई ये क्या है। कितने सारे यहाँ पे एनिमल के सब पार्ट्स हैं भाई। वर्ल्ड के कोल्डेस्ट रीजन में जितने भी एनिमल्स होते हैं ना उनके फर बहुत ज्यादा होते हैं, उनके साइज काफी कम होती है। फर इसलिए ताकि इनको गर्मी लगती रहे, बाहर ठंड अंदर ना आए, और साइज कम इसलिए होते हैं ताकि बॉडी की जो हीट होती है ना वो ज्यादा बाहर निकले ना, बॉडी में रिटेन रहे। तो यहाँ जितने भी एनिमल होते हैं सबके फर इतने ज्यादा होते हैं। देखो यहाँ का बियर है, ये नॉर्मल बियर है, ब्राउन बियर, और कितने ज्यादा इसके फर हैं, कितने मोटे फर हैं इसके। इवन यहाँ के जो बर्ड्स भी होते हैं उनके भी फर बहुत ज्यादा होते हैं। मनी रबोते, यहाँ पे मोस्टली लोग काम की वजह से ही रहते हैं, वैसे यहाँ पे कुछ है नहीं इसके अलावा। एक्सट्रीमली मिनरल रिच एरिया है। तो यहाँ पे स्टालिन का ये पोर्ट्रेट है, देख सकते हो। तो ये म्यूजियम का कुछ ऐसा रूम है जहाँ पर गुलाग प्रिजन से रिलेटेड सामान रखे हुए हैं, आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। गुलाग प्रिजन मैंने बताया था जहाँ के प्रिजनर्स ने रोड ऑफ बोन्स को बनाया था अपनी जान गंवा के। तो ये देखो ये सारे यूटेंसिल्स गुलाग प्रिजन के हैं जो यहाँ रखे हुए हैं। तो ये सब कैदी थे गुलाग प्रिजन के, पढ़े लिखे लोग थे, बिजनेसमैन थे, पॉलिटिशियंस थे जो स्टालिन के आइडिया के अगेंस्ट थे। गोल्ड ना, तो उनको यहाँ कैद करके सबसे गोल्ड माइनिंग करवाई जाती थी। देखो ये बहुत बड़ा सा ये वो बोल है, जो बोलो जो गुलाग प्रिजन में इसके अंदर खाना बनता था प्रिजनर्स के लिए, इसमें खाते थे। ओके ये आता। तो ये देखो इस पूरे एरिया में काफी वैरायटीज के डिफरेंट डिफरेंट स्टोन्स पाए जाते हैं। उनमें से कुछ स्टोन्स ये हैं, ये देखो कितने कलरफुल स्टोन है, मार्बल्स है, संगमरमर जो भी बोलो। इस म्यूजियम का 150 रूबल एंट्रेंस फी है और 200 रूबल लगा कैमरा यूज करने का। और यहाँ पे जितने लोग भी मिल रहा है सब लोग काफी सरप्राइज हो रहा है मेरे को देख के एज अ टूरिस्ट। और ज्यादा टाइम इन्होंने मेरे को एक बुक दिया, उस पे जो जो लोगों ने म्यूजियम विजिट किया था उन्होंने कुछ लिखवाया है, जो भी आप लिख दो मेरे को। इंडिया रशिया के बाहर का तो कोई दिखा नहीं, शायद पहला मैं इंडियन था जो वहाँ पे लिखा उस बुक में। सो गाइस रूम पे आ चुके हैं, कुछ चाय वगैरह बना रहे हैं, कुछ खाते हैं यहाँ बना के। तो एंद्रे बोल रहे हैं इस जगह को रशियंस के अलावा दुनिया भर में उस नेरा को कोई नहीं जानता है। इवन आप मैप में भी ढूंढोगे ना जगह आपको नहीं मिलने वाली है, बस जो लोग बहुत ज्यादा जानते होंगे वही लोग जानते हैं। आई थिंक अगर शायद मैं ना बताता आप लोगों में से बहुत लोग जगह को नहीं जानते होंगे। और यहाँ टूरिस्ट भी बोल रहे हैं नहीं आते हैं, थोड़े बहुत रशिया से आते हैं जो बहुत एडवेंचर टूरिस्ट हैं, और फॉरेनर्स बहुत ही रेयरली यहाँ पे आते हैं, साल में कोई भी कोई आ गया। यू गुड, मी गुड, यू गुड, यू ऑल्सो वेरी गुड, उच्चिन खरोशो आफ्टर मी नो यू। कह रहे आपके बाद यहाँ कोई नहीं आने वाला। विल यू कम हियर अगेन? या इन फ्यूचर ईयर श्योर आई विल कम हियर। तो ये वीडियो फिर यही खत्म करते हैं। आप लोग बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को अगर अभी भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं निकल रहा हूँ मगधान की तरफ, एक तरीके का उसनेरा सेंटर में है रोड ऑफ बोन से। उसनेरा याकूस 1000 उसनेरा मगधान 1000 वी सेंटर उसनेरा सेंटर रोड ऑफ बोन।